Thank you.
सबसे पहले आपकी जोरदार तालियां होंगी और उसके बाद हमारे बीच होगा गोवा का समय नृत्य। Awesome.
कश्मीर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रौफ नृत्य को करने के लिए उसमें फसलों की कटाई के समय, ईद और रमजान के मौके पर या फिर बसंत उत्सव के आगमन पर भी किया जाता है। जितना खूबसूरत ये रौफ नृत्य है उतने ही खूबसूरत हैं इसमें प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र, जिनमें की प्रमुख है ठुम्बक नाड़ी, रबाब, मटका, सारंगी और हारमोनियम। तो लीजिए इन मधुर वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ आपके बीच प्रस्तुत है कश्मीर का रौफ नृत्य। Thank you.
श्रोता दोस्तों, प्राचीन समय में युद्ध के आरंभ की और युद्ध के अंत की यानी कि सूर्यास्त के समय शंख बजाकर ही सूचना दी जाती थी। इस तरह से शंख एक पौराणिक वाद्य यंत्र भी है और आज उसी शंख का प्रयोग करते हुए वादन करते हुए ये कलाकार आपके सामने आपसी समन्वय के साथ महिषासुर मर्दिनी, मंदिर इत्यादि रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे अपने नृत्य के माध्यम से। और ये साथ अपने वाद्य यंत्र जो लाए हैं वो है ढोल और शहनाई। और यकीन मानिए कि जब 20 शंख एक साथ यहाँ गूंजेंगे तो ये पूरा वातावरण आध्यात्ममय हो जाएगा और सकारात्मक हो चलेगा। तो प्रस्तुत है आपके सामने उड़ीसा से शंख वादन।
चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर और दिखाते हैं वहां का सिरमौरी नाटी नृत्य। हिमाचल प्रदेश का एक भाग है जिसका नाम है सिरमौर और वहां के कलाकार इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं अब और आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये नृत्य चार पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहले दीपक नृत्य आपके सामने होगा जिसमें कि सर पर दीपक रखे जाएंगे और कई सारे करतब आपके सामने प्रदर्शित किए जाएंगे। उसके बाद परात नृत्य होगा। इन कलाकारों के लिए परात प्रतीक है विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र का और ऐसा ही कुछ चित्रण ये लोग परात नृत्य के माध्यम से आपके सामने करेंगे। तीसरा भाग है मुंजरा नाटी। उसमें नायक नायिका एक घेरे के मध्य नृत्य करेंगे, बाकी के कलाकार उनके चारों ओर एक घेरा बना लेंगे। और चौथा भाग है रासा। रासा श्री कृष्ण भगवान की रास लीला से प्रेरित बताया गया है, मतलब कई तरह की नृत्य मुद्राओं का ये मिश्रण है। और साथ ही साथ जो वाद्य यंत्र ये अपने नृत्य में प्रयोग करेंगे वो है ढोल, रणसिंगा, नगाड़ा और खंजरी। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश से हमारी अगली प्रस्तुति सिरमौरी नाटी।
फॉर्म है वो लगभग कई सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन इसे पहचान मिली एक ऐसे ही मंच से जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। और हमारी नेक्स्ट आर्ट फॉर्म का नाम है मल्लखंब। मल्लखंब दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्ल मतलब योद्धा और खंब मतलब खंभा। इसमें जो कलाकार हैं वो शक्ति, लोच और संतुलन के साथ अपने शरीर को इस खंभे पर इस तरह से संतुलित करते हुए आपके सामने विभिन्न तरह की मुद्राएं बनाकर इस नृत्य को प्रस्तुत करेंगे। तो देखते हैं योग, एकाग्रता और संतुलन का एक अनोखा नमूना महाराष्ट्र से मल्लखंब के रूप में। ऐका मल्लखंबाची कथा, ऐका मल्लखंबाची कथा, ऐका मल्लखंबाची कथा। Yeah.
एक बोला सहदी सा सही काम तोरी ला खेती अति उनस काम बाबती बोला से मले रस्ती छोटा काम बाबर के मन रंजन का सच कर आपके सामने प्रस्तुत है उड़ीसा का गोटीपुआ नृत्य। Ha 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 ha
एक रोचक तथ्य हम आपको बताएंगे और वो ये है कि जितने भी कलाकार आपने अभी इस गोटीपुआ नृत्य में देखे वो सब लड़कियां नहीं थे बल्कि लड़कियों की वेशभूषा में लड़के थे और वो सभी लड़के आपके सामने इस परफॉर्मेंस को दे रहे थे। पूजा गिरी नृत्य दिव्यांग जनजाति का ये मानना है। हाँ, सबसे पहले तो ये नृत्य लक्ष्मी देवी की पूजा और आराधना के समय किया जाता है। दिव्यांग जनजाति का ये मानना है कि लक्ष्मी देवी के प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गान जब वो करते हैं तो फसल अच्छी होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस नृत्य की खास बात ये है कि जितने भी कलाकार आपके सामने अभी प्रस्तुति देंगे वो लोग अपनी कमर से ऊपर के भाग का ही इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ही कई सारे करतब आपके सामने दिखाएंगे। तो प्रस्तुत है त्रिपुरा से होजा गिरी नृत्य। Yeah.
Sana
खाओ खादो मेरु से मर खाओ खादो फरमा मेरु से मर खाओ खादो कलम से कल बारा फरमा मलता फरमा खाले मधुसा यल आए मना मधुसा कलता मना कलम से कल बारा फरमा मलता फरमा खाले या जले नहीं तो मिसे परा से कमाने पैना परा से कमाने या जले नहीं तो मिसे परा से लाए पैने पैना परा से लाए पैने अगलो तीसा जो माना बोके बोके सिनी से लामा यले पैना सिनी से लामा यले Jaru, jaru, jama sakalak, jasak, jasak, muito lai ne toi. Naya toma yale, hoi ma, naya toma yale. Madu yal oi mano, madu sa kouta mano. Naya se toma yale. Para pande paise lao saku sayan mana paina saku sayan mana saya baleko paina naidra baleko mani sikiya bole mani sikiya bole meru nai kha khado changal mote nai na paina changal mote nai na Yal oi mama, kal e ya sam bala sam, ya ba du ma sam paina, ya ba du ma sam. Jan varu ta lana, jan varu ta lana, samate baha se paina, samate baha se. Nasa yal oi mama, nasa ba du mama. मुझे क्या पता, मैं तो गूंगा हूं। अबे तो हाथी की जैसे क्या चल रहा है गूंगा है तो? अरे कहाँ जाऊं उससे पूछूं? ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, अरे ओ टोपी वाला भाई साहब, आपसे कह रहा हूं भाई साहब, इधर आओगे जरा? भाई साहब, अरे भाई साहब इधर आओ। भाई साहब मैं क्या है एक घंटे से इधर उधर घूमे जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, घूम रहे हो ना? घूमना बहुत बढ़िया होता है। तो मैं रोज सुबह घूमता हूँ, सांस की बीमारी नहीं होती है। हाँ आज है ना, खो खो नहीं करता आदमी, बुढ़ापे में गंजा नहीं आ जाता। अरे भाई साहब आप मेरी बात तो सुनो। और मैं क्या कर रहा हूँ तो? नहीं आप वैसे तो मेरी बात सुन रहे हो, पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं?
ओहो आप समझे नहीं। ओहो हम समझे नहीं, हम तो यूं ही पैदा हुए, ये ही समझदार पैदा हुए, हम तो यूं ही हो गए पैदा। अरे आप जाओ यार वापस प्लीज यार वहां है, जाओ प्लीज वापस, मैं कोई रामू कहता हूँ हाँ जा। अरे भाई साहब बुलाया क्यों मुझे, गलती हो गई आपको बुला लिया मैंने, काय को बुलाया तो। अरे भाई साहब मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है। क्यों मुझे काम है। क्या काम है? अरे है कोई काम आपको, क्या फिर मतलब भी काम क्या आ गया? अरे मैं कह रहा हूँ ना मुझे काम है। पर तो काम क्या है? अरे यार देखो भाई साहब मुझे कोई भी काम हो आपको पता बताना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यार। नाराज हो गए यार? कोई नहीं देखे नाराज। अरे भाई साहब मान गया। अरे मान गया यार, मान गया। अरे ये क्या कर रहा है? मान गया, हाँ मान गया, मान गया। हाँ तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई साहब पता बताने में? अच्छा और धन्यवाद भाई साहब। का है का आपके पता बताने का? अभी बताया गया इसको। अरे मेरे कहने का मतलब है भाई साहब आप पता बताने को राजी हो गए ना? अभी राजी तो हुआ हूँ, अभी मैं नहीं बताऊँ तो क्या मतलब? तेरा धन्यवाद तो बेकार ही चल रहा है ना। हाँ चल रहा है। धन्यवाद तो बाद में दिया था। अच्छा ठीक है बाद में दे दूंगा, मैं बता दूँ तब बोलना धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ठीक है क्या पूछ? अरे इंक्वायरी ऑफिस का पता बता दो। इंक्वायरी ऑफिस जाना है? हाँ। अरे बताया ना काम है। अच्छा यहाँ से ना सीधा जाना। अच्छा सीधा जाऊँ, बीच में मत बोले। आ गया सीधा, सीधा गया। हाँ चाटा कर दूँ। भूल जाता हूँ मैं, अब भूल गया ना। सीधा गया फिर है ना दाएं मुड़ जाऊं। अच्छा दाएं मुड़ जाऊं। मेरी आदत ही खराब हो गई बचपन से। चार आउट 56 आज भी देर है। यूं जाके यूं जाना कैसे? तेरे को बंजा कर दूंगा। अरे तो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा यूं जाके यूं क्या? हाँ तो ऐसे गया, ऐसे गया फिर यूं जाके यूं जाना। अच्छा, ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है चला जाऊंगा फिर। फिर वहां पे गेट आएगा। अच्छा गेट आएगा। भूल जाता हूँ मैं, गेट आएगा वहां पे है ना। गेट पे तू 10 कदम आगे जाना और 10 कदम पीछे आना। तो मैं जाऊं ही क्यों? तो खड़ा रहा चलना क्या? अरे भाई साहब सुनो तो सही, ये तू कह रहा है कि मैं जाऊं क्यों, मैं पता बताऊं क्यों? अरे मेरे भाई जब 10 कदम आगे जाना हो फिर 10 कदम वापस पीछे आना हो तो जाए क्यों जाए? चल लिया कर पेट बड़ा बढ़ रहा है तेरा। फालतू उठे नहीं ना। अरे भाई साहब आप चलो पता बताओ, चल लिया आया। हाँ फिर वहां पे वजन तुलने की मशीन दिखेगी। अच्छा उससे वजन तुल। क्यों? मेरी मशीन है, तुलने 1 रुपए मर रहा है। अच्छा सुन लूंगा। हाँ उसके सामने है इंक्वायरी ऑफिस। अच्छा ठीक है। ओए मेरा धन्यवाद तो दे जा। अरे तेरा धन्यवाद, तेरे पूरे खानदान का धन्यवाद। ठीक है खानदान ने थोड़ी बताया पता। अरे तू जा रहे यार? जाना किसको है, मेरे को भेज रहा है। मेरी वजन तुलने की नहीं है तेरे। हाँ ये नहीं वजन तुलने की मशीन, ये रहा इंक्वायरी ऑफिस। आज ड्यूटी का पहला दिन है, मजा आ जाएगा। पूछताछ केंद्र, इंक्वायरी केंद्र। ये पूछताछ केंद्र है? हाँ हाँ पूछताछ केंद्र है। पूछ सकते हैं आप? पूछ सकते हैं कुछ भी? पूछ सकते हैं आप? कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछे मतलब पूछना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे टॉपर कहाँ मिलेगा? मुझे टॉपर खरीदना है। टॉपर? अरे ये पहन रखा है ना टॉपर, ऐसा आता है टॉपर? अरे वो तो पता है टॉपर पहन रखा है, लेकिन मेरे को क्या पता टॉपर कहाँ मिलेगा? वैसा वो जींस कहाँ मिलेगी लाल वाली, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। अरे यार ये जींस कहाँ मिलेगी टॉपर कहाँ मिलेगा, मेरे को भी पूछो मेरे को क्या पता। अच्छा एक काम करो, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए रिस्ट वॉच खरीदनी है, वो कहाँ मिलेगी? अरे तू अपने हस्बैंड के लिए कैसे भी रिस्ट वॉच खरीद? अरे तू चोरी का डाका था, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाई साहब आपने लिख रखा है ना पूछताछ केंद्र। अरे भाई ये पूछताछ का मतलब है रेलवे पूछताछ, या रेलों के बारे में पूछते हैं?
अच्छा रेलवे के बारे में। अच्छा ये रेल के डिब्बे का होते मेरे घर बनते हैं भाई साहब। एक बिटवाते हैं चिंटू को बहुत पसंद है। अरे रेल के डिब्बे का बढ़ते इंजन का बढ़ते मेरे को क्या पता यार। आपने तो कहा कि रेलों के बारे में पूछताछ होती है। अरे मेरी माँ रेलों के आने और जाने के बारे में पूछताछ होती है। अच्छा आने और जाने के बारे में। ये रेल आती क्यों है? यात्रियों को लेने आती है। और जाती क्यों है भाई साहब? अरे उनको लेके जाती है। तुम दोनों को कहाँ जाना है? हमें तो कहीं नहीं जाना। हमें तो क्या है टाइम पास करना था। और वो कह रहे मोजा फट गया कहाँ मिलेगा? अरे तू जा रहे मोजा फट गया अपनी टंकी आदमी भेजा एक तो उसने परेशान कर दिया ऐसे इनको। भाई साहब वो लाटूरा की ट्रेन कब जाएगी? लाटूरा? हाँ लाटूरा पूरा पूरा लाटूरा पूरा। अरे हाँ देख लू लाटूरा लाटू क्या बताया लाटूरा पूरा। अरे हारे टूरा लाटूरा लखनऊ कहाँ है लाटूरा? भाई साहब लाटूरा कहाँ है? बाहर है। हाँ मेरा बेटा। अरे तेरा बेटा? अरे मैं शहर देख रहा हूँ तू तेरा बेटा बता रहा है? ऐसा कोई तो बैठ के आएगा उस ट्रेन में। अरे तो मेरे काका। अरे यार यहाँ पे शहर के नाम से ट्रेन चलती है कोई आदमी के नाम से थोड़ी चलती है। भाई साहब लाटू होगा अपनी नानी के घर जाना है तो उसमें बैठ के आएगा ना। तो उधर से लेना टिकट टिकट विंडो हो रही वहां से। हाँ अच्छा भाई साहब आप ला दो टिकट चल। आपने आ रही से आप रहे तो क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? हाँ वो पांच जन्मों का पेट मांग है वहां से भाग करा रू मैं। क्यों क्या हो गया? जाना है भोपाल जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाएगी? भोपाल वाली? हाँ मेरे को भोपाल वाली ट्रेन बताओ। अभी बताओ कितने बजे जाएगी बताओ। हाँ मेरे को भोपाल जाना है भाई साहब। बताओ वहां पर एक कार्यक्रम है। अच्छा मेरे को अरे ठीक है देख रहे तुझे भोपाल भोपाल वाली तो भाई साहब 8 बजे जाती है वो तो गई। अरे सही कह रहा हूँ भोपाल की ट्रेन देखो। अरे भोपाल की ट्रेन ही देख रहा हूँ 8 बजे जाती है गई। वो वाली 5 नंबर के प्लेटफॉर्म जाती है वो देखो आप। अरे भाई 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है और भोपाल जाती है वो गई ट्रेन 7 डाउन। अरे 7 डाउन है 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है और 8 बजे जाती है वो गई यार। गई क्या? हाँ अच्छा हाँ ठीक है भाई ठीक है यार। तो हाँ मतलब भोपाल की ट्रेन गई। हाँ गई। अरे भाई साहब सेंटिंग करने गई होगी। अरे सेंटिंग करने 7:45 जाती है इस समय 9:15 हो रहे हैं। गई ट्रेन कभी लेट हो जाती होगी ना? अरे आज नहीं हुई काका लेट तो चली गई मतलब। हाँ आज चली गई। ठीक है भाई साहब काम कर लो आप। कर रहा हूँ काम कुछ करने दे तो करूँ ना काम। अरे भाई साहब हाँ ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो और आपको पता ही नहीं हो? मैं तो वेट को हो है ना। अरे ये कंप्यूटर रखा है ना इसमें देख के बताइए मैंने ट्रेन इसमें आ जाती है ट्रेन? हाँ इसमें आ जाती है। इतनी बड़ी ट्रेन इसमें कैसे आती है? मैं बातें से माथा फोड़ दूंगा जरा। तेरे को कहते ना भोपाल वाली ट्रेन गई तू जाया सब। ठीक है भाई साहब आप काम कर लो। अरे कर रहा हूँ काम। भाई साहब आप है ना मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो मेरा कोई जीजा जी लगता है? नहीं लगता तो नहीं हो आप बड़ा लो बैठा। एक तेरे को फालतू मजाक नहीं कर रहा मैंने तेरे को कह दिया ना भोपाल वाली ट्रेन गई वो तो गई यार। आओ मेरी कसम यार तेरी कसम तेरे पूरे खानदान की कसम भोपाल वाली ट्रेन गई वास्तव में अरे वास्तव में गई रियल में गई भोपाल वाली ट्रेन गई। अब तू ज्यादा नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है भाई साहब आप काम कर लो। कर रहा हूँ काम। भाई साहब जी अरे मेरे बाप मैंने तेरे को कहा ना भोपाल वाली ट्रेन गई। नहीं वो तो आपने बता दिया तो मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? नहीं आजी खड़ी है बाप खड़ी है। कमला ओ कमला आजी खड़ी आ गया। अबे क्या करे कमला मेरी बीवी है। अरे यार तो ट्रेन आजी थोड़ी जाती है ट्रेन तो पूरी जाती है। पूरी जाती है? हाँ पूरी जाती है।
फिर तो इंजन भी गया होगा। यार तू क्यों फालतू की बात कर रहा है? अरे इंजन ही तो ले जाता ट्रेन को, इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? घाट का डिब्बा भी जाते भाई साहब, घाट का डिब्बा, डाक का डिब्बा, घी का बीमा सब डब्बे गए। तू भी जा यार, अब तेरा हार्ट फेल हो जाएगा। पहिए भी कौन से जन्म का बदला ले रहा है यार तू? अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? भाई साहब क्या, मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, तो मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा। अभी जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई? जो छत पे जाती है ट्रेन के साथ। नहीं वो तो पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है। कमला आजा, क्या कमला कमला को बुलाता है? अरे यार ट्रेन भी तो लगी होती है छत, पागल है क्या? मतलब गई भोपाल वाली ट्रेन, गई मेरे काका, जा तू। ठीक है भाई साहब, काम कर लो आप। नहीं करूंगा साहब। भाई साहब क्या है? भाई साहब कुर्सी मार दे, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है क्या? मेरी ट्रेन पे बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ आपको भोपाल। कहाँ बैठ जाऊँ? मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं ले चल सकता हूँ आपको भोपाल। ऐसा तो देर हो जाएगी भाई साहब। कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता, चल भाग ऐसे। और फिर पेट में कमला खा बैठेगी। अरे मेरे बाप, तू जा रहे यार, क्या कमला बैठेगी? अरे भोपाल वाली ट्रेन नहीं। अच्छा मेरे को एक बात, मेरा ट्रेन का टिकट था, फिर ट्रेन कैसे चली गई? अरे यार तो ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन चली गई। टिकट था मेरे पास। अरे टिकट था भी, लेकिन ट्रेन का टाइम हो गया था ना। मैं कुछ नहीं आता, मेरे को आप भोपाल भेजो। अरे यार मैं तेरे को भोपाल कैसे भेजू? आप है ना ट्रेन को वापस बुला लो, मैं टक्कर चला लूंगा। ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे? अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आपकी धांधली है। रेलवे हाय हाय, रेलवे हाय हाय। अरे क्या कर रहे हैं, पेड़ कट्टी हो जाएगी। अरे यार मेरी ड्यूटी का पहला दिन है भाई, तू समझे? आप है ना मेरे को भोपाल भेजो। मैं तेरे को कैसे भोपाल भेजू? आप बोले एक आध दफे बाद में भेज देते, कोई लेट आए कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ मैं आपके ना सलाह ना रेल मंत्री तक पहुँचा दूंगा। मैं भोपाल कैसे पहुंचू ये बताओ। अरे तू कैसे जा यार, मेरे को क्या पता यार। यार एक काम का, तू बस से चला जा। बस से? हाँ नहीं, बस से मैं नहीं जा सकता। क्यों? कमला को उल्टी आती है। मैं कह रही हूँ यार तू बस से चला जा यार, प्लीज बस से चला जा। अच्छा ठीक है भाई, चलो जा। बस से चला जाना यार। हाँ भाई बस से जा। चक्का दिया आओ आओ। सांस्कृतिक संध्या को यहीं पर विराम देते हैं और आप सबसे विनती करते हैं कि आप जाने से पहले विभिन्न राज्यों से आए हुए लजीज व्यंजनों का लुत्फ जरूर उठाएं और अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी कहें कि वे भी शिल्पग्राम उत्सव में आकर आनंद उठाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।